आक अकरम अलैहिस्सलाम ने सहाबा अकराम को फरमाया क्या सहाबा तुम मुझ पर ईमान लाए हो, तुम्हें मुबारक हो। और फरमाया जो तुम्हारे बाद मेरे उम्मती आएंगे उनको मेरी तरफ से सात मुबारकें देना। साहबा ने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आप पर ईमान लाए तो हमें सिर्फ एक मुबारक, जो हमारे बाद आपकी उम्मती आएंगे उनको सात मुबारकें। या रसूलुल्लाह इसकी वजह क्या है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इसकी वजह यह है कि तुमने मुझे देखा है तो कलमा पढ़ा है, तुमने मेरे सुबह शाम देखे हैं तो कलमा पढ़ा है, तुमने देखा है कि मैं इशारा करता हूं तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है, तुमने देखा है उंगली उठाता हूं तो चांद टुकड़े हो जाता है, तुमने देखा है कि मैं अपने हाथ को पानी के अंदर डालता हूं जब निकालता हूं तो पानी के चश्मे मेरी उंगलियों से जारी हो जाते हैं, तुमने मेरी बर्तनों को देखा है, तुमने मेरे मौजूदात को देखा है, तो फिर माना है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तुम्हारा जब तुम्हारे बाद मेरे उम्मती आएंगे ना तो उन्होंने मेरा दीदार किया होगा, ना ही मेरे सुबह शाम देखे होंगे, ना ही मेरे मौजूदात देखे होंगे, बस मेरा नाम सुनते चले जाएंगे, मेरे नाम पे अपनी जानों को कुर्बान करते चले जाएंगे। तो सुना जो तुम्हारे बाद मेरे उम्मती आएंगे उनको सात मुबारक देना। आला हजरत राम अब्दुल्ला अलैह फरमाते हैं जब हुस्न था उनका जलवालुमा अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। ये जो दुनिया बिन देखे हुज़ूर अलैहिस्सलाम कितनी दीवानी है, तो जिन्होंने देखा है उनका आलम क्या होगा।